हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फाइव सोशल साइंस का चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास फाइव सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तो देखे ही साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ एक और बात इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर यूनाइटेड नेशन के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी सो लेट सी वॉट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टूडे इन दिस अंडरस्टैंड यूनाइटेड नेशन देन वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन कौन सी है यूनिसेफ यूनेस्को एंड हमारा टॉपिक होगा अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सम इंटरनेशनल डेज और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर यूनाइटेड नेशन के सो लेट्स स्टार्ट आर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक द यूनाइटेड नेशंस द यूनाइटेड नेशंस और यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो यूनाइटेड नेशंस क्या है यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं बहुत सारी कंट्रीज ने मिल के एक वर्ल्ड की हमारी बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको कहा गया है द यूनाइटेड नेशन उसकी शॉर्ट फॉर्म है यू एन इट वॉज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1945. ये कब बनी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसको बनाया गया 1945 में पर रीजन क्या था यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर

ये यूजलेस होती हैं, इनका कोई फायदा नहीं है ये सिर्फ सबके लिए तबाही लाती है लॉस और सफरिंग ही लाती है तो जो वर्ल्ड के लीडर्स थे यानी जो डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स थे वो ऐसी वॉर दोबारा नहीं चाहते यही मैंने यहां लिखा हुआ है द वर्ल्ड लीडर्स डिडोट वॉन्ट अनदर वॉर लाइक दिस टू टेक प्लेस तो इसीलिए उन्होंने मिलकर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड Nations. तो so स्टूडेंट्स अब आपको रीजन पता चल गया है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों फॉर्म हुई थी और अगर ध्यान दे तो आई एम श्योर यू नो कि इसके फॉर्म होने के बाद कोई और वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है यानी ये कामयाब रहा द यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव तो ये है एग्जैक्ट डेट जिस दिन द यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई थी इनिशियली यू एन हैड फिफ्टी मेंबर कंट्रीज तो जब ये फॉर्म हुई थी उस टाइम फिफ्टी कंट्रीज ने मिलकर इसको फॉर्म किया था मेम्बर कंट्रीज यानी कि फिफ्टी कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था बट एज ऑफ टूडे यूएन हैज मोर देन वन हंड्रेड नाइनटी मेंबर कंट्रीज पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूएन के पास वन नाइन्टी कंट्रीज से भी ज्यादा मेंबर हैं यानी ऑल कंट्रीज इसके साथ जुड़ती चली गई जब उनको दिखा कि इसका मोटिव अच्छा है इस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है यूजफुल है ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऑल कंट्रीज इससे जुड़ती चली गई और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस ये कहाँ से आया किसने इसको क्वाइन किया इस टर्म को इट वॉज फर्स्ट यूज बाय फ्रैंकलिन डी रूज वेल्ड देन प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए तो उस टाइम के जो प्रेजिडेंट थे यूएसए के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उन्होंने ये टर्म फॉर्म करी यूनाइटेड नेशंस तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका एक फ्लैग भी होगा ये है फ्लैग यूनाइटेड नेशंस का देखिए इसको अच्छी तरह कैसा दिखता है ये ये फ्लैग बनाया है इन्होंने द यूनाइटेड नेशंस का देयर आर सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यू की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश चाइनीज अरेबिक फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश तो ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेजेस जिसमें वो कन्वर्स करेंगे जिन जिनको उन्होंने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज बताया है और हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशन के वो है न्यूयॉर्क सिटी में यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी जो है वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के यानी जो उसका एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर फर्स्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल पीस यानी पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना ये तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनाई गई है तो सबसे पहला मोटिव तो यही था इसका बनाने का कि पूरे संसार में शांति बनानी है टू अचीव कॉपरेशन अमंग कंट्रीज इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम अब इतनी सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशन बनाए और स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए सब कंट्रीज को मिलजुल कर कॉपरेशन के साथ उसे सॉल्व करना है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल अब स्टूडेंट्स कई कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीका जहां पे इलिट्रेसी बहुत ज्यादा है पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ये ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट करती है उनको हेल्प करती है उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स तो ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स यानी जो बेसिक राइट्स हैं हम ह्यूमंस के जैसे कि राइट टू एजुकेशन राइट टू लिव ये बेसिक राइट्स हैं हमारे तो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि लेटली हमने देखा है अफगानिस्तान जो कंट्री है वहां पे जब से तालिबान ने उसको रूल करना शुरू करा है तो जो विमेन के बेसिक राइट्स हैं वेमेन के ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉयलेट हो रहे हैं वो विमेन अच्छे से वहां पर नहीं रह पा रही यूनाइटेड नेशन ने उस पर काफी बोला है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट को तो ये सभी ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस के दू एन डज नॉट फ्रेम लॉस नॉर इट इम्पोजेस टेक्सेस इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इश्यूज आर डिस्क एंड सोल्यूशंस आर वर्कड आउट तो स्टूडेंट्स यूएन जो है वो किसी गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करती है ना तो यूनाइटेड नेशन कोई लॉस बनाता है और ना ही वो कोई टैक्सेस इम्पोज करता है कोई टैक्स भी नहीं लगाते वो ये बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं सब मिलके और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है इट एक्ट इन एन अनबायस्ड मैनर अनबायस्ड मैनर में वो एक्ट करती है इसका मतलब है अनबायस्ट मतलब कि वो किसी का फेवर नहीं लेते हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज हैं जो डिस्कस करती है प्रॉब्लम वो किसी का फेवर नहीं लेते हैं वो अनबायस्ड मैनर में काम करते हैं इट विल लिसन टू वॉट बोथ द साइड है सोल्यूशन विच सूज एवरीबडी इन्वॉल्व इसका मतलब है कि जब यानी अगर दो या तीन कंट्रीज में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कोई मतभेद चल रहा है तो ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं ये सुनते हैं उन सबको और फिर एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आते हैं जो उन सभी कंट्रीज को जो भी इन्वॉल्व हैं उन सभी कंट्रीज को सूट करे उनकी हेल्प करे तो ये एक बहुत ही अनबायस्ड मैनर में काम करते हैं The United Nations strives to make the world safe for the present and future generations. ये तो इसका एक बहुत बड़ा motive है कि ये क्या करते हैं ये काम करते हैं पूरे world को safe, peaceful बनाने के लिए काम करते हैं कौन किसके लिए हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी नाउ नेक्स्ट मूव टू प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन अब यूएन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं पहला है ऑल मेंबर्स आर इक्वल अभी मैंने आपको बताया कि मोर देन 190 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं तो वो जितने भी कंट्रीज हैं मेंबर्स हैं वो सब इक्वल हैं वो भेदभाव नहीं होता उनके बीच में नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑल मेंबर्स विल फुलफिल देयर ड्यूटीज एज मेंबर्स ऑफ द यूएन अब जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कुछ ड्यूटी हैं उन सभी को वो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है एज द यूएन नेक्स्ट ऑल मेंबर कंट्रीज विल सेटल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीट्स अब जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज है अगर उनके दूसरी कंट्रीज के साथ दूसरी मेंबर कंट्रीज के साथ कोई मतभेद हो गए हैं कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनको वो सब झगड़े पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने हैं कोई वॉर नहीं होगी कोई वॉलेंस नहीं होगी द मेंबर कंट्रीज विल हेल्प द यूएन इन एनी वे टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड और ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो यूएन को हेल्प करेंगी पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाने में शांति फैलाने में ठीक है एंड लास्टली

Each ऑफ of UN हैज इट्स ओन रोल्स एंड functions. There आर सिक्स मेन organs ऑफ UN. तो यूनाइटेड नेशंस के छह मेन ऑर्गन है और ये ऑर्गन के हर एक ऑर्गन के अपने अलग रोल हैं उनकी अलग फंक्शन हैं कौन कौन से हैं ये छह मेन ऑर्गन पहला है द जनरल असेंबली देन द सिक्योरिटी काउंसिल द सेक्रेटेरिएट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द ट्रस्टिशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आइए इन सभी ऑर्गन को एक एक करके अच्छे से समझते हैं फर्स्ट इज द जनरल असेंबली द जनरल असेंबली इंक्लूड ऑल कंट्रीज देट आर मेंबर्स ऑफ द यू एन तो जनरल असेंबली में क्या होता है सारी कंट्रीज होती है कौन सी कंट्रीज जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की वो सभी कंट्रीज मिलकर जनरल असेंबली बनाती हैं द मेंबर्स मीट वंस अ ईयर एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये साल में एक बार मिलते हैं और क्या डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं उन सबको डिस्कस करते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो एक से ज्यादा सेशन भी हो जाते हैं कभी कभार साल में असेंबली डिस्कसेस इशूज एंड सजेस्ट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम तो अब जब ये मिलते हैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के सजेशंस उसको सॉल्व करने के सजेशन भी तो देंगे सॉल्यूशंस भी तो देंगे तो ये सजेस्ट करते हैं ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस पर अब उन सॉल्यूशंस को कैसे कौन सा सॉल्यूशन अडॉप्ट करा जाए कोई कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कोई कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए क्या होता है द फाइनल डिसीजन ऑन मैटर्स इज टेकन आफ्टर वोटिंग उन सॉल्यूशंस पर वोटिंग करी जाती है हर एक मेंबर के पास हर एक कंट्री के पास एक वोट है तो हर एक कंट्री वोट करती है जो उसको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है उसके फेवर में वोट करती है तो इस तरह से जिस सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करा जाता है एक और काम होता है जनरल असेंबली का इट आल्सो मैनेजेस द बजट ऑफ द यूएन एंड अपॉइंट्स अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन तो जो ये जनरल असेंबली होती है ये यूएन का बजट भी मैनेज करती है बजट मैनेज करने का मतलब है कि ये देखते हैं कि भाई कहां से फंड्स आ रहे हैं कहां पे वो फंड्स Uh, हमें खर्चने हैं ये सब चीजें भी ये देखती है और ये मेंबर्स भी अपॉइंट करती है जो बाकी के ऑर्गन्स हैं हमने अभी सिक्स ऑर्गन्स बताए ना तो जो बाकी के ऑर्गन हैं उनके मेंबर्स को भी अपॉइंट करती है ये जनरल असेंबली देखिए ये ऐसी दिखती है ये जनरल असेंबली ये इनकी कि ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे जितनी भी 190 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बैठे हुए हैं देखिए ऐसा ही लग रहा है ना जैसे एक पार्लियामेंट किसी कंट्री के पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठे हों तो ऐसे होते हैं कि हर एक मेंबर कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव इधर बैठा हुआ है ये सब वन सीना ईयर मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और कोशिश करी जाती है कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकले बाय वोटिंग हर एक मेंबर के पास एक वोट है तो उसके थ्रू ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं Now next organ is the Security Council. The Security Council is the most important organ of the UN. It has 15 members. तो so, ये जो Security Council है, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा important organ माना जाता है United Nations का. और इसके पास सिर्फ 15 members होते हैं. इसके जो ये Security Council हैं, इसके सिर्फ 15 members होते हैं. और 15 में से five are permanent members. यानी पंद्रह में से पांच जो हैं वो तो परमानेंट मेंबर्स हैं कि वो हमेशा रहेंगे एंड द रिमेनिंग आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स मतलब जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं पंद्रह में से पांच तो परमानेंट हो गए यानी बचे दस तो जो दस मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है दो दो साल के पीरियड के लिए तो ये जो पांच परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं ये हैं यूएसए रशिया चाइना द यूके यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस तो ये जो पांच कंट्रीज हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की और बाकी जो दस कंट्रीज होंगी वो दो दो साल के पीरियड के लिए इलेक्ट करी जाती है जनरल असेंबली के द्वारा और अब पर्पस क्या है इसका सिक्योरिटी काउंसिल का इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए शांति मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है इट ट्राइज टू सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू टॉक्स और पीसफुल मेजर्स हाउ एवर एट टाइम्स इट मे टेक द डिसीजन टू सेंड पीस कीपिंग फोर्सेज टू कंट्रीज वेयर डिस्प्यूट आर अक्रिंग तो अब ये जो आ, इंटरनेशनल पीस होती है इसको कैसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ये कोशिश करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट जो भी लड़ाई चल रही है उसको सॉल्व करें बातचीत से या कोई और पीसफुल तरीके से पर कई बार क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल को पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजनी पड़ती हैं दूसरी कंट्रीज पे जहां में जहां पर कोई लड़ाई हो रही है तो ऐसे इनको सिचुएशन के हिसाब से ये मोल्ड करते हैं अपने आप को कि आप पीसफुल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो करें अदरवाइज पीस कीपिंग फोर्सेज भी भेजते हैं परमानेंट मेंबर्स एफ द वीटो पावर अब जो ये पांच परमानेंट मेंबर्स है मैंने आपको बताया ना पांच परमानेंट कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स रहती है उनके पास वीटो पावर होती है उसका क्या मतलब है दिस मीन्स दैट इफ एनी वन परमानेंट मेंबर वोट अगेंस्ट एन इशू बींग डिस्कस्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल देन दैट मैटर विल नॉट बी पास वीटो पावर का मतलब है कि ये जो पांचों मेंबर कंट्रीज हैं, इनके पास वोट है और अगर इन्होंने जो इशू डिस्कस हो रहा है इनमें से किसी एक कंट्री ने भी उस के अगेंस्ट वोट कर दिया, तो वो पास नहीं हो सकता। पांचों परमानेंट कंट्रीज को किसी भी इशू में एक साथ सहमति देनी होगी जब भी वो इशू सॉल्व होगा अदरवाइज उस पर दोबारा डिस्कशन होगी ये होती है वीटो पावर ये देखिए ये हो रही है यहाँ पे एक मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो आपको ये बीच में दिख रही है टेबल सी ये जो राउंड सी टेबल है तो इस पे जितने मेंबर्स बैठे हैं ये पंद्रह मेंबर्स मेंबर्स बैठे हैं इनके पीछे इन्हीं की कंट्रीज के ये और उनके ऑफिशियल हेड्स वगैरह बैठे हुए हैं तो ये सब इनका काम होता है कि भाई कैसे हम इंटरनेशनल पीस मेंटेन करें क्स्ट ऑर्गन ऑफ द यू एन इज द सेक्रेट द सेक्रेटेरिएट सुपरवाइज और यूएन तो अब सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता है ये सुपरवाइज करती है जो भी सारी फंक्शनिंग हो रही है डे टू डे का काम हो रहा है यूएन का उसको उसकी देखरेख करती है उसकी एडमिनिस्टर करती है यही मैंने यहां लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्स डे टू डे फंक्शन तो यू एन की जो डे टू डे की Uh, रोज का जो काम होता है उसको देखती है ये इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स फाइल्स एंड प्रोवाइड्स मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द यूएन बॉडीज फॉर मीटिंग्स तो अब जब जो रोज का काम काज होता है उसकी फाइल्स मेंटेन करती है उनको रिकॉर्ड करती है और जो यूएन की मीटिंग्स होंगी कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं इन लोगों की तो उसके लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करती है ये सभी काम है इसके सेक्रेटेरिएट And it is headed by the Secretary General, who is appointed for फाइव years. अब इसका head कौन है secretariat का उसे कहते हैं Secretary General. और ये appoint होते हैं पांच साल के लिए यानी हर पांच साल में एक नए Secretary General आएंगे वो इसको head करेंगे ये देखिए ये है आ, बिल्डिंग है ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है न्यूयॉर्क सिटी में ये लोकेटेड है ठीक है देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये तो ये डे टू डे फंक्शन देखते हैं यूएन के नाउ नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द यू एन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड तो अब इस ऑर्गन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पूरे वर्ल्ड में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करे वो ये कैसे करते हैं बाय ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलिटरेसी पॉवर्टी एंड फेमिन तो ये क्या करती है ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है किससे रिलेटेड इलिटरेसी से रिलेटेड पॉवर्टी यानी गरीबी से रिलेटेड और भुखमरी से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कंट्रीज की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है द काउंसिल हैज 54 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर थ्री इयर्स तो इस काउंसिल के 54 मेंबर्स हैं और वो कौन इलेक्ट करता है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है थ्री ईयर्स के लिए ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस settles डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका क्या काम है इसका काम है कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है कोई मतभेद है कोई लड़ाई है तो उसको रिजॉल्व करना इट judges from जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज elected फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन ईयर्स तो ये कैसे रिजोल्व करते हैं ये रिजोल्व करते हैं फिफ्टीन जजेस की हेल्प से जो कौन कौन से जजेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज के जजेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट करा जाता है फॉर पीरियड ऑफ नाइन ईयर्स और उन्हें कौन इलेक्ट करता है दे आर इलेक्टेड बाय बोथ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल तो ये दोनों ऑर्गन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इन फिफ्टीन जजेस को इलेक्ट करते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड इन देग इन दैदरलैंड तो ये कहाँ पे जो इनकी बिल्डिंग है ये कहाचुएटेड हैग है में जो कहा है नेदरलैंड में देखिए ये है बिल्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पे वो फिफ्टीन जजेस मिलकर अः uh, किसी डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे नाउ द लास्ट ऑर्गन ऑफ द यू एन इज द ट्वस्टशिप काउंसिल दिस ऑर्गन वॉज फॉर्म टू हेल्प कॉलोनीस विच वर अंडर द रूल ऑफ अनदर कंट्री तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो ऑर्गन है ये बनाया गया था उन कॉलोनीज को हेल्प करने के लिए जो दूसरी कंट्रीज के रूल में थी यानी जो उनकी गुलाम थी कॉलोनीज यानी जो दूसरी कंट्रीज की गुलाम थी तो जब ये कॉलोनियल कंट्रीज ये फ्री होती चली गई तो इनमें जो गवर्नमेंट बननी थी उस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर्म हुई थी ये हेल्प करती थी ऐसी कॉलोनियल कंट्रीज को टू फॉर्म सेल्फ गवर्नमेंट सिंस मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर नाउ इंडिपेंडेंट द काउंसिल मीट्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड अब क्योंकि ये जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी ये धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट हो गई इनमें सेल्फ गवर्नमेंट बनती चली गई तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ये जब ही आपस में मिलती हैं, जब जरूरत हो ठीक है स्टूडेंट तो ये हमने पढ़ा सिक्स ऑर्गन्स ऑफ द यूएन के बारे में कौन कौन से छह ऑर्गन हैं वो पहला था जनरल असेंबली फिर सिक्योरिटी काउंसिल देन सेक्रेटेरिएट नेक्स्ट वन वाज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्टली ये ट्रस्टीशिप काउंसिल अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजेंसीज ऑफ द यूएन बिसाइड्स ऑर्गन्स देयर आर एजेंसीज़ विच कैरी आउट वर्क ऑफ द यूएन अब इन छह ऑर्गन्स के अलावा यूएन के पास कुछ एजेंसीज़ भी होती हैं जो उसका काम करती हैं कौन कौन सी हैं वो एजेंसीज़ पहली है यूनिसेफ फिर है यूनेस्को एंड द लास्ट वन इज डब्ल्यू एच ओ सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज एजेंसी वन बाय फर्स्ट वन इज यूनिसेफ फॉर द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की ये फुल फॉर्म है the United Nations Children's नेशन तो फंड से ही पता चल रहा है कि ये बच्चों से रिलेटेड इसका कुछ काम है क्या काम है वेन दिस एजेंसी वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स इट्स मेन पर्पज वॉज टू प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर टू were affected बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जब ये एजेंसी बनाई गई कौन सी ईयर में बनाई गई थी 1946 में तो इसका जो मेन काम था वो था उन बच्चों की देखभाल करना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इफेक्ट हुए थे उन बच्चों को के लिए खाना अरेंज करना उनके लिए घर और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना ये परपस था यूनिसेफ का और अब प्रेजेंट डेज में भी यही पर्पज है दैट यूनिसेफ प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी ये बच्चों के लिए ही काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है यूनिसेफ इट ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू यंग मदर्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ और ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी देते हैं किन के लिए जो यंग मदर्स होते हैं जो नई नई मम्मी बनी होती हैं माँ बनी होती हैं उनको अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है अपनी हेल्थ की कैसे देखभाल करनी है उसके बारे में भी ये बताती है यूनिसेफ ये देखिए ये है फ्लैग यूनिसेफ का ये देखिए बनाए हुए हैं ना अगर आप ध्यान से देखें तो ये मम्मी और बेबी बनाई हुई है उन्होंने अपने फ्लैग में तो इससे पता चलता है कि उनका मेन एम यही है कि उनकी हेल्थ के लिए बच्चों की और मम्मी की हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करती हैं नेक्स्ट एजेंसी इज यूनेस्को यूनेस्को स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो यूनेस्को की ये फुल फॉर्म है देखिए द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये भी सेटअप हुई थी 1946 में ही राइट right? अभी हमने पीछे देखा ना यूनिसेफ को भी 1946 में सेट अप करा गया, यूनेस्को को भी 1946 में सेटअप करा गया दिस एजेंसी प्रमोट्स इंटरनेशनल कोलाबरेशन अमंग कंट्रीज थ्रू एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो कंट्रीज में की क्या इंप्रूव करती हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स देती है उनकी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए उनकी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती हैं और कल्चरल रिफॉर्म्स भी देती हैं कल्चरल रिफॉर्म्स यानी जैसे कि जो हमारी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम श्योर आपने सुना होगा इंडिया में भी बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली वी हैव कुतुब मीनार रेड फोर्ट एंड युमायुस्टोम जिन्हें ये मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किताब इनको मिला हुआ है इसका मतलब होता है कि यूनेस्को हेल्प करती है इन सभी को प्रोटेक्ट करने में उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है तो ये काम है यूनेस्को के ये देखिए ये है फ्लैग ऑफ यूनेस्को सिंपल फ्लैग है ये इसमें एजेंसी का नाम लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट एजेंसी है डब्ल्यू एच ओ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है फुल फॉर्म डब्लू एच ओ की अब इसका काम क्या है इट वर्क एट इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ये लोगों की हेल्थ उनकी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है कैसे इट हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस डिजीजेस हाइजीन एंड सैनिटेशन ये लोगों को अवेयर करती है जागरूकता फैलाती है लोगों के बीच में अबाउट वेरियस डिजीजेस बहुत सारे डिजीजे बीमारियों के बारे में उनसे कैसे बचा जाए क्या सावधानी ली जाए हाइजीन यानी सफाई वगैरह कैसे रखी जाए जैसे कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम्स में देखा था कि डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस रिलीज करा करती थी कि कोरोना से कैसे बचा जाए उसकी क्या वैक्सीनेशन है वो कब लगवाएं ऐसी ऐसी चीजें तो डब्ल्यू का काम ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस डिजीजेस इट हेल्प इराडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज तो स्मॉल पॉक्स एक डिजीज था तो इसने डब्ल्यू एच ओ ने बहुत काम किया और इसको खत्म करवाया स्मॉल पॉक्स को सारी कंट्रीज से हमारे सारे वर्ल्ड से इसको खत्म करवाने में डब्ल्यू एच ओ ने काफी मेहनत करी थी ये देखिए ये है फ्लैग डब्ल्यू एच ओ का राइट ऐसा दिखता है ये फ्लैग तो ये हमने पढ़ा तीनों एजेंसीज के बारे में यूएन की तीनों एजेंसीज के बारे में नाउ लेट्स लर्न अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन अब हम पढ़ेंगे कि यूएन की अचीवमेंट्स क्या रही हैं ओवर द इयर्स द यूएन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन world। तो कितने साल हो गए हैं यूएन को बने हुए तो इन सालों में यूएन जो है यूनाइटेड नेशन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है पूरे वर्ल्ड में शांति मेंटेन करने में और ये तो हमने देखा ही है कि यूएन के बनने के बाद कोई और वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसकी इट हैज बीन एबल टू सॉल्व मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड प्रिवेंटेड दो कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम टर्निंग इन टू मेजर वॉर तो इसने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो लड़ाइयाँ थी उनको रिजॉल्व करवाया है और अगर शायद ये रिजॉल्व नहीं करवाते वो डिस्प्यूट तो हो सकता है कि वो मेजर वॉर बन जाती इट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड एड विद हेल्प ऑफ इट्स एजेंसी इसने स्टूडेंट्स यूएन ने अपनी जो एजेंसीज हमने एजेंसीज अभी पढ़ी ना इनकी हेल्प से इसने बहुत सारी कंट्रीज में फूड भी भिजवाया है जहां पे जिन कंट्रीज में नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे कि अर्थ हो गया फ्लड्स हो गई तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा भुखमरी मच जाती है तो वहां पे लोगों को फूड भी पहुंचाया है इसने और हालांकि एवरी ईयर अभी भी हर साल यूएन फूड प्रोवाइड करता है टू अराउंड 80 मिलियन पीपल अक्रॉस 80 कंट्रीज अभी भी हर साल ये इतना फूड प्रोवाइड इतने लोगों को फूड प्रोवाइड करता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएन की द यूएन हेल्प्स पीपल Who have been forced to leave their country due to war or conflict? UN उन लोगों की भी हेल्प करती है जिनकी कंट्रीज में वॉर हो गई है और उनको वहां से जाना पड़ रहा है जैसे कि अभी हमने यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारे यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन छोड़कर जाना पड़ा तो यूएन ऐसे लोगों की हेल्प करती है

the un has established some days which are celebrated across the world to so students un ne kuch days bana diye hain jo pure world mein celebrate hote hain now most of these days are meant to spread awareness among people और इनका एम क्या है इन डेज को एस्टेब्लिश करने का लोगों में अवेयरनेस फैलाना यानी जागरूकता फैलाना एम है इन डेज का For example, World Health Day. वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल सेवेंथ अप्रैल को क्यों टू डेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है द डेट ऑल्सो मार्क्स द दब्लू एच ओ और ये डेट इस इसी दिन डब्ल्यू एच ओ भी एस्टैब्लिश हुआ था नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी मार्च को हर साल द डे रिकोगनाइज द परस्यूज ऑफ हैप्पीनेस एज अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन ये डे सेलिब्रेट होता है बताने के लिए कि हैप्पीनेस हर किसी का हर ह्यूमन का एक राइट है तो हम सबको खुश रहना चाहिए देन वी हैव वर्ल्ड वाटर डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च इट ट्राइज टू ड्रो अटेंशन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन वॉटर टू एवरी वन तो ये जो डे है वर्ल्ड वॉटर डे ये सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को और इसका एम है लोगों को इम्पोर्टेंस समझाना किस चीज की क्लीन वॉटर की कि हर किसी को क्लीन वॉटर ही यूज करना चाहिए इंटरनेशनल योगा डे डे रिकॉग्नाइज इज दैक्टिसिंग योगा ये योगा डे सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी फर्स्ट जून को और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसका एम है योगा की प्रैक्टिस यानी कि ये समझाने का लोगों को कि योगा करिए उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है तो योगा के बेनिफिट्स बताने के लिए उन्हें समझने के लिए ये डे बनाया गया है द नेक्स्ट इंटरनेशनल डे इज अर्थ डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल द डे रेजेज अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट अर्थ ने फॉर फ्यूचर जनरेश तो ये अर्थ डे सेलिब्रेट होता है हर साल ट्वेंटी सेकेंड अप्रिल को और ये सेलिब्रेट uh, होता है क्योंकि लोगों को जागरूकता फैलानी है लोगों के बीच में कि अर्थ को बचाओ उसके नेचुरल रिसोर्सेज को बचाओ हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए ट डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आर एनवायरमेंट तो ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेबरेट होता है फिफ्थ जून को किस लिए सेलिब्रेट हो रहा है लोगों को समझाने के लिए कि कितना जरूरी है हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना उसको प्रोटेक्ट करना ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा था चैप्टर द यूएन द यूनाइटेड नेशंस आइए अब करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन वन इज द यूनाइटेड नेशंस वाज़ फॉर्मड आफ्टर डैच तो यूनाइटेड नेशंस किसके बाद फॉर्म हुआ था क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिया चाइना वॉर के बाद यस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था नेक्स्ट देयर आर सिक्स परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज इट ट्रू और फॉल्स क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको कितने परमानेंट मेंबर्स हैं फाइव तो ये गलत स्टेटमेंट है फाइव परमानेंट मेंबर्स होते हैं क्वेश्चन थ्री डब्ल्यू एच ओ वर्क एट इम्प्रूविंग डैश ऑफ द पीपल क्या हेल्प uh, किस चीज को इंप्रूव करने के लिए काम करती है डब्ल्यू एच ओ वेल्थ इंप्रूव करने के लिए सिक्योरिटी हेल्थ या मोबिलिटी यस आंसर इज हेल्थ डब्ल्यू एच ओ वर्क एट इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ द पीपल नेक्स्ट यूनिसेफ वॉ सेट इन विच ईयर इनमें से कौन से ईयर में यूनिसेफ सेटअप हुआ था फॉर्म हुआ था यस आंसर इज नाइनटीन फोर्टी सिक्स में क्वेश्चन नंबर फाइव इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे लुक एक्ट द ऑप्शन केयरफुली यस ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून इन द जनरल असेंबली ईच मेंबर कंट्री हैजैश कितने वोट्स होते हैं जनरल असेंबली में जो मेंबर कंट्री है उनके पास यस yes, एक ही वोट होता है एक कंट्री के पास ना द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द यू एन आर डैश ऑप्शन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस और टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और ऑल ऑफ दीज यस ऑल ऑफ दीज ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं यू एन के तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस, अच्छे से समझ आ गया है इसमें बहुत कुछ था नया सीखने के लिए सो आई होप ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल रहा Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.